वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करेंगे 15 नवंबर की करंट अफेयर की क्लास। ओके तो बेटा देखिए, आज के जो भी करंट के क्वेश्चन बने होंगे, सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं वो इसमें हमने अपलोड किए हैं। ओके और उनके साथ साथ में स्टैटिक पॉइंट, उन स्टेट्स का भी, उन कंट्रीज का भी, ठीक है, जिसका वो करंट का क्वेश्चन होगा। देखो काफी सारे क्वेश्चंस, मैं आपको बताता हूं कि करंट में आपको क्या पढ़ना चाहिए। आप बेटा अपने आप से भी पढ़ सकते हो, किसी भी मैगजीन से पढ़ सकते हो, कहीं से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आप मुझसे पढ़ते हो तो आपको उसमें बेनिफिट क्या होता है, सुनिए। आपको उससे संबंधित, उस स्टेट या कंट्री से संबंधित उसका स्टैटिक जीके आपको मालूम होता है, उसकी ज्योग्राफी, उसकी हिस्ट्री, उसकी पॉलिटी के बारे में आपको बहुत सारे अदर क्वेश्चंस आपको मालूम होते हैं। ओके साथ में हम उसका जो भी मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, स्टैटिक क्वेश्चंस हैं, ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी के साथ साथ मिसलेनियस जो होता है यानी स्टैटिक पॉइंट जो होते हैं वो भी हम साथ में कवर करते हुए चलते हैं। आपने जिन जो बच्चे पुरानी जो क्लासेस देख रहे हैं उनको मालूम है, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं मैं उनके लिए बात मैं बार बार बोलता हूं, है ना। काफी बच्चे ऐसे जो बेटा दो पहली बार हमसे जुड़े होते हैं, तो वो ध्यान से सुन लीजिए, आपको करंट की क्लास के साथ साथ क्या क्या यहां पर मिलता है। ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के करंट के क्वेश्चन के साथ साथ आपको उनका स्टैटिक जीके भी मिलेगा, है ना। स्टेट का, कंट्री का, अपने इंडिया का, जो भी माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, सोइल्स है, सोलर सिस्टम है, ये सारे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम साथ में कराते हैं, अपना हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का, है ना। अगर मान लो यूरोप का कोई क्वेश्चन बना है, पुर्तगाल का कोई क्वेश्चन बना है, तो मैंने उसमें यह भी बताया है कि बेटा फर्स्ट पुर्तगीज पर्सन जो इंडिया में आया वो वास्को डी गामा था, तो वास्को डी गामा की पूरी हिस्ट्री मैंने उस क्वेश्चन में बता दी गई है, है ना। तो आप देख सकते हो कि काफी हमारी पुरानी क्लासेस हैं, उसमें भी आप जाके देख सकते हो, जो बच्चे फिलहाल जो बच्चे नए जुड़े हैं हमसे, है ना। पुराने बच्चों को तो काफी मालूम है। और आपको कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का भी कोई भी डाउट है, आपको हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का कोई भी डाउट है ऐसा, तो वो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ओके करंट के साथ साथ चलो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना करंट का सेशन 15 नवंबर का। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आसियान सम्मेलन की 10वीं बैठक कौन से देश में आयोजित की जाएगी। इन विच कंट्री विल द 10th मीटिंग ऑफ आसियान समिट बी हेल्ड। तो बेटा कौन से देश में ये आसियान देशों की मीटिंग होगी। तो आंसर इज आप लोगों ने सोचा इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर या मलेशिया। देखो आप लोग अपना मन में सोच सकते हो, मैं इसका आंसर बता रहा हूं। अभी आपको ये देखना क्या आपका आंसर सही है या नहीं। फिलहाल जो 10वीं मीटिंग है बेटा ये इंडोनेशिया में होने जा रही है। इंडोनेशिया की कैपिटल कौन सी, जकार्ता। तो जकार्ता में ये जो मीटिंग है ये होगी अभी। ओके आसियान का मतलब क्या होता है बेटा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन ये मतलब होता है जो दक्षिणी पूर्वी देश है बेटा, उन देशों का ये संगठन है, है ना। और इस संगठन की जो उद्घोषणा की गई थी, इसको बनाने के लिए जो पहला कदम उठाया गया था वो कब उठाया था, 1967 में उठाया था बेटा। कब की बात है ये, 1967 की बात है। कहां पर ये उठाया गया था, ये बैंकॉक में उठाया गया था बेटा। बैंकॉक में घोषणा कर दी गई थी कि हम ऐसे ऐसे संगठन बनाएंगे। तो शुरू में इसमें कौन कौन से देश शामिल थे, मैं आपको बता दूं, जो साउथ ईस्ट जो एशियन नेशन है वो इसमें शामिल थे। थोड़ा सा सुन लीजिए एक बार, मैं आपको बताऊं, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, है ना, फिलीपींस, ये आदि देश इसमें शुरू में शामिल थे, बाद में कई और देश इसमें जुड़े हैं। अभी बेटा जो ये मीटिंग होगी, ये अभी मीटिंग होगी 16 नवंबर से, ये इंडोनेशिया में स्टार्ट हो जाएगी। कब से, 16 नवंबर से इंडोनेशिया में स्टार्ट हो जाएगी। और अपने भारत के रक्षा मंत्री इसमें जाएंगे। भारत के रक्षा मंत्री कौन है, भारत के रक्षा मंत्री बेटा राजनाथ सिंह इसमें जाएंगे। ओके आसियान देशों की 10वीं बैठक है, कहां पर होगी, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में होगी। इंडिया की तरफ से इसमें भारत के रक्षा मंत्री जो अपने डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह इसमें जाएंगे। कब बना था यह संगठन, लगभग इसकी घोषणा लगभग कर दी गई थी 1967 में। ओके बैंकॉक में इसकी घोषणा कर दी गई थी,
है ना, वर्ष में कितनी बार होता है इसकी जो मीटिंग है बेटा, वो एक साल में, इसके जो शिखर सम्मेलन है वो एक साल में कम से कम 2 बार होते हैं। कितनी बार होते हैं? 2 बार होते हैं। तो अब की बार का ये इंडोनेशिया में होगी, 10वीं समिट है इसकी। ओके ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है? विच इंडियन प्लेयर हैज बीन इंक्लूडेड इन द आईसीसी हॉल ऑफ फेम? तो बेटा विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग, हरभजन, शुभमन गिल। तो बेटा ये वीरेंद्र सहवाग का चित्र आप देख ही रहे हो, है ना। अब तक हॉल ऑफ फेम में, बेटा 9 इंडियंस को जगह मिली है। 9 इंडियंस इसमें अभी तक गए हैं, है ना। उन 9 इंडियंस में बेटा वीरेंद्र सहवाग को अब की बार जगह मिली है। तो मैं आपको ये बता दूं ये 9 इंडियंस हैं कौन कौन से, जो मेन मेन मैं आपको बताऊंगा, सुनिए कौन कौन से हैं। इनमें बेटा सबसे पहले मैं आपको नाम बताऊं जिनका अभी फिलहाल अभी देहांत हुआ है बेटा उनका, जिनका नाम है बिशन सिंह बेदी, है ना, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीनू माकंड, ये ठीक है, वीरेंद्र सहवाग, और एक अपनी जो इसमें जो महिला क्रिकेट टीम की जो हेड थी पहले, जिसका नाम था डायना एडुल जी, ठीक है। तो ये हैं अपने इंडिया की तरफ से जो हॉल ऑफ फेम में, अभी आईसीसी की तरफ से हॉल ऑफ फेम में इनको नियुक्त किया गया है, मतलब चुना गया है। अब मैं थोड़ा सा आईसीसी की बात करूं, जो मैं कई बार कर चुका हूं, फिर से सुन लीजिए। आईसीसी की स्थापना बेटा 1909 में हुई, ठीक है ना। इसका हेड ऑफिस कहाँ है बेटा? दुबई के अंदर। हेड ऑफिस किधर है? दुबई के अंदर। ओके, और इसके हेड कौन है अभी फिलहाल? फिलहाल हेड है कौन? ग्रेग बारकले, ओके, यहां मैं इंग्लिश में भी लिख दूं, ग्रेग बार कले, इसके हेड है आईसीसी, इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, के हेड ग्रेग बारकले। स्थापना कब हुई थी? 1909 में हुई थी। ओके, हेड ऑफिस किधर है? दुबई के अंदर है। हॉल ऑफ फेम में भारत इंडियन के जो 9 इंडियंस हैं उनको चुना गया। अभी फिलहाल वीरेंद्र सहवाग को ये मुकाम हासिल हुआ है। ओके चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। बेरीनाग चाय किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? बेरीनाग टी विच गोट जीआई टैग रिसेंटली इज रिलेटेड टू? तो बेटा ये बेरीनाग चाय ये रिलेटेड है उत्तराखंड से, है ना, उत्तराखंड की ये चाय है बेटा। और उत्तराखंड में बेरीनाग चाय के साथ साथ 15 चीजों को, 15 वहां की वस्तुओं को जीआई टैग अभी मिला है। जीआई टैग उसको दिया गया है। ये जीआई टैग क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है ये, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है, भौगोलिक संकेतक है ये। किसी भी विशेष स्थान पर कोई भी विशेष ऐसी चीज है जो कि उसी एरिया में वो महत्वपूर्ण है, फेमस है, तो उस चीज को वो जीआई टैग दिया जाता है ना। ये जीआई टैग बेटा, ये जीआई टैग सबसे पहले, फर्स्ट जो जीआई टैग है वो 2004 में, 2004 में फर्स्ट जीआई टैग, जो फर्स्ट जीआई टैग है वो 2004 में दिया गया। किसको दिया गया था बेटा? ये दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को, है ना। यहां पे लिख दो मैं, दार्जिलिंग, की चाय को, फर्स्ट जीआई टैग इंडिया का वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था 2004 के अंदर, है ना। तो बेटा ये जो जीआई टैग होते ना, ये कितने साल के लिए दिए जाते हैं? 10 साल के लिए, 10 साल के लिए, और 10 साल के बाद इनको रिन्यू कराना पड़ता है, 10 साल के लिए के बाद इनको रिन्यू कराना पड़ता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो बेरीनाग चाय उत्तराखंड की चाय है, इसके अभी जीआई टैग इसको दिया गया है। साथ साथ इसको और भी 15 चीजों को यहां पर मिला है उत्तराखंड के अंदर। अब मैं उत्तराखंड की चीजें आपको बता दूं एक बार। उत्तराखंड के अंदर बेटा ध्यान से सुनिए, यहीं पर राम गंगा नेशनल पार्क है। कौन सा? राम गंगा नेशनल पार्क। पहले इसका नाम था जिम कॉर्बेट, नेशनल पार्क। काफी बच्चे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को समझते हैं आज भी। बेटा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क था, लेकिन अभी इसका नाम राम गंगा हो गया। ओके,
यहीं पर एक और नेशनल पार्क है, राजा जी नेशनल पार्क। ओके, यहीं पर नंदा देवी नेशनल पार्क है, जो कि एक हाईएस्ट माउंटेन पीक भी है उत्तराखंड के अंदर, और उसी के नाम से नेशनल पार्क है वहीं, है ना, उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर बेटा फ्लावर्स वैली भी है, फूलों की घाटी चमोली, फूलों की घाटी कौन सी, चमोली। इन सब पॉइंट्स को नोट करते हुए चलिए, क्योंकि सभी पॉइंट्स मैं लिखूंगा नहीं बेटा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करता। दूसरे काफी सारे ऐसे चैनल्स हैं जो सिर्फ सीधा लाइन टू लाइन पहले से ही उसकी पीपीटी तैयार करके वहां रख लेते हैं और फिर उसी को बस एक्सप्लेन करते हैं, है ना। मैं ऐसा नहीं करता बेटा, क्योंकि काफी चीज जीके में क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलते हैं, तो मैं आपको बहुत सारी चीजें देता हूं पहले से ही, यहां पर मैं लिख के नहीं रखता, जो माइंड में जो चलता आता है वही क्वेश्चन में साथ साथ उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं, है ना, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। ओके चलो, उसके बाद मैं उत्तराखंड की झीलें आपको बताऊं। बेटा उत्तराखंड में जो झीलें हैं वो आपको ताल नाम से आपको मिलेंगी, नैनीताल, देवताल, खुरपाताल, राक्षस ताल, भीम ताल, सात ताल, माला ताल, यानी सब में आपको ताल दिख रहा है ना। ओके, उत्तराखंड के अंदर बेटा नंदा देवी हाईएस्ट माउंटेन पीक है, जो आपको मैं बता चुका हूं। उत्तराखंड के अंदर बेटा पासेज कौन से हैं, पासेज बोले तो दर्रे, है ना, दर्रे, दो पहाड़ियों के बीच का, देखो ये ऐसे दो माउंटेन्स हैं उनके बीच में एक पतला सा रास्ता होता है, ऐसे ये पतला सा रास्ता आ जाता है इधर से, तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं पास, यानी दर्रा, दो पहाड़ियों के बीच में से निकलने वाला एक रास्ता, इसको दर्रा बोलते हैं बेटा। ओके, बात समझ में आ गई। तो यहां पर कौन कौन से पास है बेटा, यहां पर नीति पास है, कौन सा पास है, नीति पास, माना पास, देखो यहां पर मैं लिखता हूं नीति, नीति पास, माना पास, MANA, नीति पास, माना पास, ठीक है। लीपू लेख पास, मैं एक और बताऊं आपको, काफी इंपॉर्टेंट है, लीपू लेख पास, ये दर्रे हैं उत्तराखंड के, सुन लीजिए बड़े ध्यान से सुन लीजिए। उत्तराखंड की दो राजधानियां हो गई हैं अभी, कौन कौन सी, देहरादून और दूसरी गैरसैंण, गैरसैंण या गैरसैंण, ये कर सकते हो आप। उत्तराखंड की दो राजधानियां हो गई हैं, और सुनिए उत्तराखंड के अंदर स्टैटिक पॉइंट बेटा जो आपके पेपर में आ सकते हैं। ओके सुनिए, फूलों की घाटी चमोली मैंने आपको बता ही दिया, गैरसैंण यहां पर एक रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले यहां पर गैरसैंण इसकी जो है राजधानी वो बना दी गई है, देहरादून की, देहरादून के साथ साथ गैरसैंण भी वहां की कैपिटल आप सुनोगे। उत्तराखंड के अंदर बेटा यहां पर ट्राइब है, कौन कौन सी ट्राइब है यानी जनजातियां हैं, भोटिया, कुमायूं या कुमायूनी, ओके, गढ़वाली, गढ़वाली, ये सब जनजातियां हैं। ये नीति और माना, ये जो पासेज हैं यहां पर रहने वाले जो लोग हैं उनको नीति या माना जनजाति भी कहते हैं, तो ये सब ट्राइब्स हैं बेटा उत्तराखंड के अंदर, ये ट्राइब्स हैं, है ना, उत्तराखंड की बात चली थी। तो बेटा पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम हैं, और सुन लीजिए स्टैटिक पॉइंट में, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम हैं और गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर हैं, गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर हैं। ओके, ये सभी पॉइंट्स नोट कीजिएगा। यहीं से, यहीं पर केदारनाथ है, मालूम है ना सबको, केदारनाथ किस नदी के किनारे, मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी, और यहीं पर बेटा बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे, अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ है, जो कि विष्णु जी का टेम्पल है, केदारनाथ जो कि शिव जी का टेम्पल है। तो ये सभी पॉइंट्स उत्तराखंड के, देखिए बेटा कितने सारे स्टैटिक पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, है ना, ये चीजें आप जरूर ध्यान रखिए क्योंकि पेपर में आएंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया, देखो बेटा ये सबको मालूम है कि जो ट्रेड फेयर है वो दिल्ली में लगता है, हर साल लगता है, नवंबर के महीने में हर साल लगता है बेटा ये, है ना, नवंबर के महीने में ट्रेड फेयर दिल्ली में हर साल लगता है। अब की बार इसका जो जो ट्रेड फेयर है बेटा, इसका वो उद्घाटन किसने किया है बेटा, उद्घाटन किया है इसका अनुप्रिया पटेल ने, दिल्ली में
अनुप्रिया पटेल ने इसका उद्घाटन किया है, अनुप्रिया पटेल, ठीक है, अनुप्रिया पटेल ने इसका अभी उद्घाटन किया है, है ना। भारत के 25 राज्यों के यहां पर उत्पाद वगैरह, चीज वगैरह, यहां पर वस्तुएं वगैरह आपको देखने को मिलेंगी। 25 राज्यों की चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। आप यहां से चीजें खरीद भी सकते हो और देख भी सकते हो, घूम भी सकते हो। एक अच्छा अनुभव है, एक अच्छा अनुभव आप फील करोगे यहां पर। अलग अलग राज्यों की चीजें यहां पर देखोगे, यहां पर आपको काफी चीजें अलग से दिखाई देंगी। आपको पता चलेगा कि इस तरह से भी चीजें बनाई जाती हैं हमारे इस राज्य में। ओके, तो बेटा ये काफी अच्छा अनुभव होगा, आप जाके घूम के आ सकते हो। दिल्ली में ये होता है, नवंबर में होता है। ओके, और ये 42वां ट्रेड फेयर होगा। कौन से नंबर का होगा बेटा ट्रेड फेयर? ये 42वें, तो ये 42वें नंबर का, 42 यानी 42nd आप बोल सकते हो, 42 भी बोल सकते हो, 42वें नंबर का ये ट्रेड फेयर होगा। इसकी थीम है वासुदेव कुटुंबकम। इसकी थीम क्या है? वासुदेव कुटुंबकम इसकी थीम होगी। ओके, दिल्ली में होता है, नवंबर में ये हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 किस देश ने अत्यधिक भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी है? विच कंट्री डिक्लेयर्ड इमरजेंसी आफ्टर अर्थक्विक? तो बेटा ये देखो, जो आइलैंड है ना, ये आइलैंड जो आप देख रहे हो, आइलैंड बेटा, ये आइलैंड के अंदर 24 घंटे में 1400 भूकंप के झटके लगे हैं, ठीक है। किस देश ने अत्यधिक भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी है? अत्यधिक कितना, देखो कितना, सुनिए, आइलैंड में 24 घंटे में 1400 भूकंप के झटके लगे हैं बेटा, कमाल की बात है। ओके, सॉरी फॉर दैट, काफी परेशानी है बेटा, खांसी है थोड़ी सी, तो इसके लिए सॉरी, माफी मांगना चाहूंगा। आवाज क्लियर नहीं आ रही होगी तो भी सुनिए, ठीक है। 24 घंटे में बेटा 1400 भूकंप के झटके यहां पर लगे हैं आइलैंड के अंदर। ओके, और देखिए ये कौन सा वोल्केनिक माउंटेन है जहां पर ये झटके इसके आसपास फील किए गए हैं, भूकंप के झटके। यहां पर एक वोल्केनिक माउंटेन है, मैं नाम लिखता हूं बेटा, वोल्केनिक माउंटेन का नाम लिखता हूं मैं आपको यहां, फेग्राडल्स फजाल, FAGADALS फजाल, ये है बेटा, ये है वोल्केनिक माउंटेन, फेग्राडल्स फजाल, ये है वोल्केनिक माउंटेन, जो आपको दिखाई भी दे रहा है यहां पर, ये वोल्केनिक माउंटेन है बेटा, फेग्राडल्स फजाल, इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे, फेग्राडल्स फजाल। यहां पर इसके आसपास में यहां पर भूकंप के झटके लगे हैं बेटा, ठीक है। और यहां पर इस आइलैंड के आसपास, ये यूरोप के अंदर सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों के क्षेत्र में आता है बेटा, ये भूकंप के क्षेत्र में आता है, यहां पर एक्टिव वोल्केनो है बहुत सारे, ठीक है। और यहां यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा भूकंप यूरोप के अंदर यहीं इसी क्षेत्र में आते हैं, सबसे ज्यादा वोल्केनिक माउंटेन्स एरिया, जो एक्टिव वोल्केनिक माउंटेन्स एरिया है, वो भी आइलैंड के आसपास ही, इसी फेग्राडल्स फजाल माउंटेन के आसपास ही है। ओके, ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं। देखो डिजास्टर चीजें हैं बेटा ये, जो डिजास्टर चीजें हैं वो करंट अफेयर में आपसे पूछी ही जाएंगी, 100% पूछी जाएंगी। ओके, यूरोप में सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो आपको ये दिखाई पड़ेगा, यूरोप एरिया के अंदर फेग्राडल्स फजाल आइलैंड के आसपास ये चीजें यहीं पर। देखो भूकंप कैसे आते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स के, मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको बताऊं, टेक्टोनिक जो प्लेट्स होती है ना बेटा, टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से भूकंप आते हैं, और उन्हीं के टकराने से वोल्केनिक माउंटेन भी बनते हैं, है ना, एक दूसरे के पूरक होते हैं बेटा, ठीक है ना। भूकंप आएगा तो वोल्केनिक माउंटेन में भी इरप्शन हो सकता है। ओके, ज्वालामुखी पर्वत में विस्फोट भी हो सकता है भूकंप आएगा तो। ओके, क्योंकि दोनों में ही क्या होता है, प्लेट्स, मान लो एक ये प्लेट्स है, इसका मूवमेंट इधर है, और एक ये प्लेट्स है, इसका मूवमेंट इधर है, तो टकराने के बाद जो स्थिति होगी वो ऐसी होगी बेटा।
ठीक है, तो इस तरह से ये स्थिति बनती है, ये प्लेट्स हैं, टकराने के बाद इनकी हाइट ऐसे उठ जाती है, तो ये बन जाते हैं माउंटेन वगैरह इस तरह से, है ना, पहाड़ बनते हैं। पहाड़ आपसे पूछेगा पहाड़ कैसे बनते हैं, तो बेटा पहाड़ जो फोल्डिंग पहाड़ होते हैं, फोल्डिंग माउंटेन्स होते हैं, वो टेक्टोनिक प्लेट से, कौन सी, कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराने से बनते हैं, है ना। टेक्टोनिक प्लेट बेटा दो टाइप की होती हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट, है ना। ओशियनिक प्लेट जिस पर महासागर है, कॉन्टिनेंटल प्लेट जिस पर हम लोग रहते हैं, जिस पर पेड़ पौधे जीव जंतु रहते हैं, वो कौन सी होती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट यानी महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट, और महासागरीय प्लेट यानी ओशियन प्लेट। जब दोनों आपस में अलग अलग प्लेट टकराती हैं तो वोल्केनिक माउंटेन का जो है वो बनता है, वोल्केनिक माउंटेन, और दोनों की दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट टकरा जाए तो भूकंप आते हैं, है ना, पहाड़ बनते हैं, और पहाड़ बनेंगे, और ये दूसरा क्या चीज है, पहाड़ बन सकते हैं और भूकंप आते हैं, सीधी सी बात है, आप ये आप बता दोगे। ओके, अगर दोनों की दोनों ओशियनिक प्लेट टकरा जाएं, दोनों की दोनों महासागरीय प्लेट टकरा जाएं, तो भूकंप बनेगा कहां पर, समुद्र के अंदर, और सुनामी आएंगी, ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी सुनामी आती हैं बेटा उससे, जो समुद्र के अंदर भूकंप आता है। तो भूकंप आने का मेन रीजन आप सुन लीजिए क्या होता है, अर्थक्विक का मेन रीजन होता है टेक्टोनिक प्लेट्स में कोलिजन, टेक्टोनिक प्लेट्स में टकराव, है ना। तो टेक्टोनिक प्लेट दो टाइप की होती, मैंने अभी बताया आपको, कॉन्टिनेंटल प्लेट, कितने कॉन्टिनेंट है, 7, और दूसरा ओशियनिक प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट, सॉरी महासागरीय प्लेट, महासागर कितने हैं, 5, है ना। और थोड़ा सा मैं आपको बताऊं इसके बारे में, सुन लीजिए बस, आप सुनते जाइए, ये सब टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह ये सारा किसमें है, ये स्टैटिक पॉइंट तो है, सुनिए बेटा, दुनिया का सबसे एक्टिव वोल्केनो कहां पर है, मैं आपको बता रहा हूं, किलायू, किलायू दुनिया का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी, किलायू, फिर है मोना लोवा, मोना लोवा, मोना लोवा, ठीक है। ये किलायू और मोना लोवा किधर है बेटा, हवाई आइलैंड पर, हवाई आइलैंड किधर है, ये है नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, पैसिफिक ओशियन में, पैसिफिक ओशियन में। बेटा देखो सुनो ध्यान से, मैं आपको बताऊं, दुनिया के सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो ये पैसिफिक ओशियन में आपको मिलेंगे, जैसे कि पैसिफिक ओशियन में ही है किलायू भी, मोनालोआ भी, वहीं पर दुनिया का सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो ओजस डेल सेलेडो, मैं यहां पर और लिखता हूं, सुनिए, ओजस डेल सेलेडो, ये ओजस डेल सेलेडो, ये दुनिया का सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो है, जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट में, वर्ल्ड हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो, ओजस डेल सेलेडो, ओके, ये भी प्रशांत महासागर में है। और देखिए बेटा, और मैं आपको बताऊं, माउंट फ्यूजी, माउंट फ्यूजी, या इसको फ्यूजी यामा भी बोलते हैं, एक्टिव वोल्केनो बेटा जापान के अंदर है, किधर है, जापान के अंदर, ये भी पैसिफिक ओशियन के अंदर है। ओके, तो कितने सारे ये माउंटेन है जो कि बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, सारे के सारे पैसिफिक ओशियन के अंदर है ये, इसीलिए पैसिफिक ओशियन को, इसलिए प्रशांत महासागर को रिंग्स ऑफ द फायर बोला जाता है, रिंग्स ऑफ द फायर बोला जाता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं क्यों बोला जाता है, और यहीं पर प्रशांत महासागर में ही इतने सारे ज्वालामुखी विस्फोट क्यों होते हैं, सबसे ज्यादा भूकंप यहीं पर क्यों आते हैं, यहीं पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पर्वत क्यों है, इनका रीजन मैं आपको अभी बताऊंगा, बिल्कुल इसी में सुनिए। देखो बेटा, इस तरह से ये अपना एशिया बना हुआ है, ये है एशिया, ठीक है, और इधर है ऐसे करके, ये है नॉर्थ अमेरिका, एशिया के नीचे यहां पर है ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका के नीचे यहां पर है साउथ अमेरिका, और ये है ऑस्ट्रेलिया, सुनिए, और ये जो एरिया आप देख रहे हो ना बेटा, ये एरिया, इसको बोलते हैं रिंग्स ऑफ फायर, इसको क्या बोलते हैं, रिंग्स ऑफ फायर, और ये है पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर है ये। तो प्रशांत महासागर एशिया और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बीच में है, नीचे से ये ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका के बीच में है,
है ना। अब यहीं पर क्यों ज्यादातर ज्वालामुखी विस्फोट आते हैं, यहीं पर क्यों ज्यादा भूकंप आते हैं, सुनिए। ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट बेटा मूव कर रही है अपने इस साइड में, एशियन प्लेट मूव कर रही है अपने इस साइड में ईस्ट में, और ऐसे ही नीचे से भी मूव एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं ये, इसलिए प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन पर दबाव पड़ रहा है, इसलिए इनके किनारों पर सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। ये रहा इनका किनारा, है ना, यहीं पर सबसे ज्यादा वोल्केनिक माउंटेन है, यहीं पर सबसे ज्यादा भूकंप के झटके आते हैं। ये रहा जापान, इधर ये रहा जापान, जापान में सबसे ज्यादा वोल्केनिक माउंटेन और जो क्या बोलते हैं अर्थक्विक जो है वो सबसे ज्यादा झटके जापान ही झेलता है सबसे ज्यादा वर्ल्ड में, है ना। और इधर ये रहा किलायू माउंटेन हवाई आइलैंड, यहां पर रहा ओजस डेल सेलेडो, यहां इंडोनेशिया में, यहां क्राकाटोआ के पास, यहां पर अभी बहुत सारी चीजें, इधर बहुत सारे भूकंप के झटके झेलते हैं ये क्षेत्र, है ना, बहुत सारे जो वोल्केनिक माउंटेन है वो भी इधर ही है, इसलिए पैसिफिक ओशियन को रिंग्स ऑफ द फायर कहते हैं, ध्यान से सुनना, रिंग्स ऑफ फायर, अग्नि वलय का क्षेत्र बोलते हैं बेटा इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट को, इस क्षेत्र को अग्नि वलय का क्षेत्र बोलते हैं, रिंग्स ऑफ फायर बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यहां पर वोल्केनिक माउंटेन ज्वालामुखी पर्वत सबसे ज्यादा है। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये था क्वेश्चन स्टैटिक, बेस्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता के दिया है। अच्छा, इसमें एक बात मैं आपको और बता दूं, कौन सा महासागर, कौन सा ओशियन जिसका साइज कम हो रहा है, वो है पैसिफिक ओशियन, है ना, और कौन सा ओशियन महासागर ऐसा है जिसका साइज बढ़ रहा है, वो है अटलांटिक ओशियन। देखो यहां पर अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक, ओके, जब ये इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो बीच में इसका साइज कम हो जाएगा, ये इधर जा रहे हैं दोनों के दोनों, तो इसका साइज बढ़ जाएगा बेटा, है ना, तो साइज ज्यादा किसका हो रहा है, अटलांटिक ओशियन का, कम किसका हो रहा है, पैसिफिक ओशियन का, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा लकड़ी का टावर किस देश में बनाने की संभावना व्यक्त की गई है, इन विच कंट्री वाज द पॉसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग द वर्ल्ड टॉलेस्ट वुडन टावर एक्सप्रेस, तो बेटा आंसर इज ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा माना जा रहा है कि 191.1 मीटर इतना ऊंचा, ये जो टावर आप देख रहे हैं ये इतना ऊंचा है, 191.1 मीटर ऊंचा, 191.1 मीटर इसकी हाइट होगी। अभी फिलहाल सबसे ऊंचा लकड़ी की बिल्डिंग कहां पर है, अमेरिका में है बेटा, अभी फिलहाल अमेरिका के अंदर है, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये हो जाएगी, 191.1 मीटर की ऊंचाई इसकी होगी अभी, ओके, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको बात बता दूं, ऑस्ट्रेलिया में स्टैटिक पॉइंट आप पढ़ो, ऑस्ट्रेलिया के स्टैटिक जीके पढ़िए बेटा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा, डॉलर यहां की करेंसी है, राजधानी यहां कैनबरा है, यहीं पर सिडनी, पर्थ, ओवल, है ना, एडिलेड, ये सब यहां पर बहुत बड़े बड़े शहर हैं, यहीं पर क्रिकेट के ग्राउंड्स भी हैं, ओके। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको कुछ बताऊं, सुनिए, ऑस्ट्रेलिया में दुनिया में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन दुनिया में सबसे ज्यादा, और ग्लास यानी सीसा, ग्लास का उत्पादन, बॉक्साइट का उत्पादन, वूल का उत्पादन, वूल यानी ऊन का उत्पादन दुनिया में सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में होता है बेटा। बॉक्साइट तो बिल्कुल हर साल सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया से ही होता है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में दोनों चीजें डाली गई बेटा, बल्कि तीनों, ऊन का उत्पादन, बॉक्साइट का उत्पादन, सीसे का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा होता है। यहीं पर दो सोने की खान है बहुत बड़ी, काल गुरली और कुलगार्डी, ये दो सोने की खान बेटा, इंग्लिश में भी नाम यही रहेगा, काल गुरली और कुलगार्डी, ये सोने की खान है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही लंबी नदी कौन सी बेटा, मर्रे डार्लिंग, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यहां पर लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। हाईएस्ट माउंटेन पीक है ऑस्ट्रेलिया में कौन सी, माउंट कोसियस्को, ये रही माउंट कोसियस्को, ये ऑस्ट्रेलिया में बहुत ऊंची एक माउंटेन पीक है,
पर्वतीय चोटी है ऑस्ट्रेलिया की बहुत ऊंची, माउंट कोशियस्को, मर्रे डार्लिंग यहां पर सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है, सॉरी यहां पर मर्रे डार्लिंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर, इज द लॉन्गेस्ट रिवर, हाईएस्ट माउंटेन पीक इज माउंट कोशियुस्को, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या यहां पर वोल्केनिक माउंटेन है? नहीं, ऑस्ट्रेलिया में कोई भी वोल्केनिक माउंटेन नहीं है बेटा, ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का हम देश बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया को थ्रस्टी लैंड हम बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या कोई डेजर्ट है? यस है, यहां पर विक्टोरिया डेजर्ट है, विक्टोरिया डेजर्ट, यहां पर सिंपसन, यहां पर गिब्सन, ये यहां पर डेजर्ट है बेटा, ठीक है। विक्टोरिया यहाँ पर बहुत बड़ा डेजर्ट है, उसके साथ साथ गिब्सन सिम्पसन ये डेजर्ट एरिया है, इन सबको मिलाकर द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट बोला जाता है। कंगारू लैंड यही ऑस्ट्रेलिया के बोला जाता है, थ्रस्टी लैंड ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है। ओके, ये सभी पॉइंट है बेटा यहाँ ऑस्ट्रेलिया के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी बेटा एबेल तस्मान ने, एबेल तस्मान ये आदमी थे जिसने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी, तस्मान ऐसे कर दोगे, एबेल तस्मान, यहाँ एबेल तस्मान, ठीक है, ये आदमी, इस आदमी ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। एक और बताए जाते हैं जेम्स कुक, जेम्स कुक ने भी खोज की थी, एबेल तस्मान ने भी, इसलिए तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया के नीचे, न्यूजीलैंड के जस्ट पास और ऑस्ट्रेलिया के नीचे वहीं पर तस्मान सी है। आपसे पूछेगा तस्मान सी कहां पर है, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के ठीक बराबर में, साथ में या उनके बीच में भी आप कह सकते हो, तस्मान सी वहां पर स्थित है। ओके, ये हो गए ऑस्ट्रेलिया के स्टैटिक पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एशिया प्रांत एयरलाइंस ने 5% हरित ईंधन की खपत का लक्ष्य कब तक रखा? बेटा ये जो एयरलाइंस है, देखो आपको पिक्चर में दिख रहा है, airasia.com, ये एशिया प्रांत एयरलाइंस है बेटा ये, ठीक है ना, एशिया की। और ये 5% हरित ईंधन जो कि नॉन पोल्यूटेड होता है अपना, जो हाइड्रोजन से संबंधित होता है, ये व्हाइट हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित, जो कि आपका पोल्यूशन नहीं फैलेगा इससे बिल्कुल भी, तो ये कब तक करेगा? 2030 तक 5% हरित ईंधन की खपत करने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2030 तक इसने अपना लक्ष्य रखा है। भारत में 2007 के बाद, मैं आपको बताऊं, 2007 के बाद अब भारत में एयर इंडिया चलता है, एयर इंडिया, जो कि डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी दोनों ही एयर इंडिया है। 2007 से पहले डोमेस्टिक कौन सी थी? एयरलाइंस ऑफ इंडिया, एयर इंडिया तो इंटरनेशनल थी, और इंडियन एयरलाइंस डोमेस्टिक थी, इंडियन एयरलाइंस डोमेस्टिक थी, एयर इंडिया इंटरनेशनल थी, लेकिन 2007 में एयर इंडिया ही डोमेस्टिक और इंटरनेशनल हो चुकी है। ओके, तो बेटा भारत में INA की स्थापना कब हुई थी? INA, इंडियन नेशनल एयरवेज, 1933 में, ध्यान रखना, इंडियन नेशनल एयरवेज कब बना था भारत में? 1933 में। ओके, ये चीजें इसमें ध्यान रखना। इसमें आपको क्या पढ़ लेना है, मैं आपको बता दूं, यहां पर आप एयरवेज के लिए जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बेटा वो पढ़ोगे इसमें, है ना, जैसे छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां? महाराष्ट्र में। ऐसे ही भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां? नागपुर में, है ना। सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? ये कलकत्ता वेस्ट बंगाल के अंदर है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री, ये कहां पर है? वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, जैसे कि अंडमान निकोबार में है। तो ये सारे के सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको याद होने चाहिए। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8। झारखंड का स्थापना दिवस हाल ही में कब मनाया गया? बेटा ये मनाया गया 15 नवंबर को। मैंने आपको अभी भी एक दो दिन पहले की क्लास में मैंने आपको उत्तराखंड का भी पढ़ाया था, 9 नवंबर वाला, है ना, तो मैं फिर से बता देता हूं बेटा, सुनिए। 1 नवंबर सन 2000 में बना था, कौन सा राज्य बना था बेटा? यहां पर छत्तीसगढ़ बना था, किससे अलग होकर? उत्तर प्रदेश से अलग होकर। 9 नवंबर सन 2000 में, सन 2000 में बना था कौन सा? उत्तराखंड, है ना, सॉरी छत्तीसगढ़ बेटा, ये एमपी से थोड़ी थोड़ी सी गलती, यहां पर थोड़ी सी गलती सुधार लेते हैं, सुनिए। छत्तीसगढ़ बेटा एमपी से अलग होकर बना था, उत्तराखंड बना था उत्तर प्रदेश से अलग होकर, है ना, अभी 15 नवंबर को।
15 नवंबर सन 2000 को ही अभी बना था झारखंड। झारखंड किससे अलग होकर? बिहार से। बिहार से अलग होकर बेटा झारखंड बना था, भारत का 28वां राज्य, ठीक है ना, बिहार से अलग होकर। और एक और अभी जो कि 2 जून 2014 में बना था, वो तेलंगाना। तेलंगाना 2 जून 2014 में बना था तेलंगाना, 29वां राज्य बना था। लेकिन जम्मू कश्मीर को अब राज्य का दर्जा खत्म हो गया उसका, इसलिए भारत में 28 राज्य हो गए अभी। अब बात चली है झारखंड की, तो स्टैटिक जीके तो बनाने ही पड़ेंगे, है ना। तो बेटा झारखंड के अंदर भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटू एरिया है जिसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पठार है? छोटा नागपुर प्लेटू। सुनिए बेटा, ऐसे लिखता हूं मैं, छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर का पठार किधर है? ये झारखंड के अंदर है बेटा। यहीं पर भारत की सबसे पहली और बड़ी सक्सेसफुल, सक्सेसफुल ध्यान से सुनना, भारत की फर्स्ट सक्सेसफुल लोहे की कंपनी टिस्को यहीं पर लगी। TISKO, टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी, 1907 में लगी थी झारखंड के अंदर। पहले झारखंड नाम नहीं था बेटा, बिहार ही था। बिहार में एक जगह थी साकची, ठीक है। अभी सन 2000 में झारखंड बिहार से अलग कर दिया गया, इसलिए ये जमशेदपुर नाम कर दिया गया साकची का, और बिहार की जगह आप झारखंड अभी पढ़ोगे। ओके, तो ये था बेटा छोटा नागपुर बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पठारी भाग है छोटा नागपुर, बहुत इंपॉर्टेंट पठारी भाग है प्लेटू एरिया छोटा नागपुर। यहां से कॉपर भी बहुत ज्यादा निकलता है, तांबा, यहां सिल्वर भी बहुत ज्यादा है। यहां पर आपको मिका यानी माइका आप कह सकते हो, अभ्रक कह सकते हो, अभ्रक का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है छोटा नागपुर के पठार में। यहां से दो नदियां मेन रिवर है बेटा जो ओरिजिनेट हो जाती हैं छोटा नागपुर के पठार से। कौन कौन सी नदी, मैं आपको बताऊं, सुनिए, यहां एक तो दामोदर नदी, दामोदर नदी, ये दामोदर किसकी सहायक नदी है भाई? दामोदर है हुगली, हुगली की ट्रिब्यूटरी है दामोदर, ध्यान से सुनना, ठीक है। हुगली, हुगली किसकी एक ब्रांच है? हुगली गंगा से ही अलग होती है, हुगली इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा इन वेस्ट बंगाल। ओके, छोटा नागपुर के पठार से एक और नदी निकलती, मैं यहां लिखता हूं, स्वर्ण रेखा, WSWARNREKHA, ये स्वर्ण रेखा नदी है बेटा। कहां से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से, झारखंड से निकलती है ये भी। यही स्वर्ण रेखा नदी पर यहां वाटरफॉल है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, हुंडरू, हुंडरू वाटरफॉल है। ये पेपर में पूछा गया 2 साल पहले, हुंडरू वाटरफॉल इन विच रिवर? स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू वाटरफॉल झारखंड के अंदर है। ओके, तो ये है इसके स्टैटिक पॉइंट। अब चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। पुष्कर मेला कौन से राज्य में आयोजित किया जाएगा? जो कि हर साल पुष्कर मेला लगता है बेटा राजस्थान के अंदर, है ना, पुष्कर मेला। यहां पर ऊंटों का मेला भी लगता है, जानवर पशुओं का मेला भी लगता है, साल में एक बार लगता है बेटा पुष्कर मेला। इकलौता ब्रह्मा जी का टेम्पल है यहीं पर, ब्रह्मा जी का मंदिर, इकलौता एक ही मंदिर है पुष्कर में, राजस्थान में, ब्रह्मा जी का इकलौता एक ही मंदिर है पुष्कर राजस्थान के अंदर। यहां पर पुष्कर झील भी है बेटा, पुष्कर झील है यहां पर राजस्थान के अंदर। ओके, ध्यान रहेंगे क्वेश्चन। अब मैं राजस्थान के कुछ स्टैटिक पॉइंट आपको बता दूं, मुख्यमंत्री यहाँ अशोक गहलोत है, सबको मालूम है ना, राजधानी जयपुर होगी जिसको पिंक सिटी यहाँ कहा जाता है। ओके, राजस्थान के अंदर बेटा नेशनल पार्क है रणथंभौर, कौन सा? रणथंभौर, सरिस्का, सरिस्का, घाना, है ना। यहां पर एक अभी टाइगर रिजर्व के लिए बनाया गया करौली, करौली, घाना को ही केवला देव भी बोलते हैं, घाना को केवला देव भी बोलते हैं। और यहां पर एक कुंभलगढ़ भी है, कुंभलगढ़, ये सभी नेशनल पार्क मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं, है ना। राजस्थान से बेटा अरावली, राजस्थान के अंदर अरावली माउंटेन रेंज है, दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट, वर्ल्ड ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज अरावली। अरावली की सबसे ऊंची चोटी बेटा गुरु शिखर इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अरावली। यहीं पर बेटा माउंट आबू है, माउंट आबू, है ना, माउंट आबू पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर है जो कि विमल शाह ने बनवाए थे। माउंट आबू ओनली हिल स्टेशन ऑफ राजस्थान,
माउंट आबू। तो बेटा यहीं पर सांभर झील भी है, भारत में सबसे अत्यधिक सबसे ज्यादा खारा पानी सांभर झील का है। ओके, तो ये पॉइंट है राजस्थान के स्टैटिक पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। थोड़ा सा मैं डांस भी बता दूं, क्योंकि पिछले पेपर में राजस्थान के डांस पूछे गए थे बेटा, है ना। डांस यहां के सुन लीजिए कौन से हैं, सुनिए। घूमर, घापाल, सुई सीनी, है ना, काल बेलिया, है ना, काल बेलिया, सुई सीनी, घापाल, घूमर, ये इस प्रकार के कुछ डांस हैं राजस्थान के अंदर। यहां पर जनजाति कौन सी, मीणा, सांसी, सहरिया, गरासिया, है ना, बंजारा, इस टाइप की यहां पर ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। यहां से नदियां कौन सी निकल जाती हैं बेटा, साबरमती नदी, लूनी नदी यहां से निकल जाती हैं, बनास नदी, अरावली माउंटेन रेंज से साबरमती, लूनी वगैरह नदियां यहां से निकलती हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन इनफ है बेटा, बहुत ही फैंटेस्टिक क्लास मैंने आपको बताई है, सभी पॉइंट को आपको नोट कर लेना है बस, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच, क्लासेज को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बेटा, ओके।